मध्य प्रदेश की भिंड में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां पुलिस ने प्रेमिका की शिकायत पर उसके प्रेमी को बुलाया और अपनी देखरेख में थाना परिसर में ही फेरे कराए और पुलिस के अफसरों ने नवयुगल को फूल बरसाकर बधाई दी। बता दें कि तकरीबन 12 साल तक दोनों के बीच प्रेम संबंध चलते रहे, लेकिन प्रेमी ने अपने घर वालों के विरोध के चलते शादी करने से इनकार कर दिया। यह बात प्रेमिका सहन नहीं कर सकी और अपने परिजनों को लेकर थाने पहुंच गई। नतीजा यह हुआ कि पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को थाने बुलाकर उनकी शादी करवाई और पुलिस वालों ने फूल बरसाकर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। दरअसल यह पूरा मामला भिंड के देहात थाना इलाके में स्थित जमाना रोड का है। यहाँ की रहने वाली अर्चना गोयल का अपने पड़ोस में ही रहने वाले अविनाश गोयल से प्रेम संबंध बन गए थे। 12 साल से यह प्रेम संबंध चला रहा था। इसी बीच अविनाश ने कई बार अर्चना से कहा कि वह उससे शादी कर लेगा, लेकिन समय बीतने के बाद अविनाश पर उसके परिजनों का दबाव बढ़ने लग गया। यही वजह रही कि अविनाश ने शादी करने से इनकार कर दिया। 12 साल तक प्रेम संबंध में रहने वाली अर्चना इस बात को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह परिजनों के साथ देहात थाने पहुंच गई। यहां अर्चना ने देहात थाना प्रभारी प्रदीप सोनी को पूरी बात बताई। इसके बाद पुलिस द्वारा अविनाश और उसके परिजनों को थाने बुलवाया गया। यहां उनकी काउंसलिंग की गई और फिर बड़ी मुश्किल से अविनाश और उसके परिजन शादी के लिए राजी हुए। इसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए ही अर्चना और अविनाश की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। देहात थाना परिसर में स्थित भगवान भोलेनाथ के मंदिर में दोनों को ले जाया गया और यहां शादी की रस्में पूरी की गई। दोनों ने एक दूसरे को वरमालाएं पहनाई। अविनाश ने अर्चना के मांग में सिंदूर भरा और शादी की रस्में निभाई गई। इसके बाद पुलिस वालों ने नवविवाहित जोड़े पर फूल बरसाकर उन्हें उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। हालांकि इस शादी को लेकर अर्चना पूरे मन से खुश नहीं थी। अर्चना का कहना था कि वह इस तरह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि ऐसे शादी करनी पड़ी। ऐसा कहते हुए अर्चना की आंख में आंसू झलक आए।